हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी हैक्स, रिव्यूज एंड लॉट मोर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ब्लाउजेज। यू कैन से दीज आर मस्ट हैव ब्लाउजेज। अगर ऐसे कुछ ब्लाउजेज आपके पास होंगे तो आप अपने वेडिंग और फेस्टिव सीजन में थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। जो ये सारे ब्लाउजेज है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सके। तो जो पहला ब्लाउज है हमारा, वो है ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक ब्लाउज। ये है फ्रॉम ब्रैड इंडिया। तो इसका जो नेक है वो है राउंड नेक और इसकी स्लीव्स 3-4 स्लीव्स हैं। पूरे ही ब्लाउज पे गोल्डन वर्क है और कुछ फेक जो मिरर्स होते हैं ना, उससे एम्बेलिशमेंट किया गया है। बहुत हैवी लुक देता है ये ब्लाउज। और इसके नेक पे ये गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई है। फ्रंट में भी है और बैक में भी यही सेम पाइपिंग है। इसका जो गोल्डन है काफ़ी सटल वाला गोल्डन है, बहुत चटकीला वाला गोल्डन नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ब्लैक ब्लाउज तो काफ़ी सारे कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। और इस ब्लाउज में ये पीछे गोल्डन कलर का ही जिप क्लोजर दिया हुआ है, बट मैंने एक्चुअली, मुझे ये टाइट हो गया था तो मुझे काफ़ी पसंद है ब्लाउज, इसलिए मैंने इसको फिर थोड़ा जुगाड़ लगवा के इसमें फैब्रिक लगवाया और इसको अपने फिटिंग का करवाया, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है ये ब्लाउज। अब आप इस ब्लाउज को स्टाइलिंग पार्ट की बात करें तो आप इस ब्लाउज को काफ़ी सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस ब्लाउज के साथ आप इसे रेड साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं, आप गोल्डन साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं, इवन मर्जेंटा भी ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लगता है। बेज कलर की साड़ी के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। ब्लैक वैसे भी मोस्टली कलर को सूट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इस ब्लाउज में पोटेंशियल है कि आप इससे बहुत सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे लहंगा के साथ पेयर कर सकते हैं, अपने ब्लैक कलर की स्कर्ट के साथ या फिर पिंक कलर की स्कर्ट के साथ, बेज कलर की स्कर्ट के साथ दुपट्टा कैरी कीजिए और आपका एक अच्छा सा आउटफिट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ऐसे कुछ ब्लाउजेस आपके पास है ना, तो आप उनसे विद नो टाइम आप बहुत सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या खरीदें क्या करें। तो ये काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, आप ऐसे कुछ ब्लाउज पीसेज में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जो सेकेंड ब्लाउज है वो है ये दिस बेसिक रेड ब्लाउज। ऐसा कुछ बेसिक रेड ब्लाउज आई थिंक सबके पास होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर भी बहुत सारे कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। येलो के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगता है, गोल्डन के साथ और बेज के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सारे कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसके भी साथ 3-4 स्लीव्स आती है और स्लीव्स पे ये कुछ गोल्डन कलर का जरी वर्क दिया हुआ है। इसका नेक है राउंड नेक और पीछे से काफ़ी डीप नेक है। ये ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगता है और इसके साथ ये इन्होंने टैसल्स भी लगा के दिए हैं, डोरी के साथ टैसल्स अटैच किए हैं। तो काफ़ी बेसिक ब्लाउज है, येट काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सफोस्टिकेटेड लुक देता है। आपको कुछ क्लासिक सा क्रिएट करना है तो ये ब्लाउज बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ बेसिक ब्लाउज में इन्वेस्ट करने से होता क्या है कि आप उसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं, नए नए आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा शाइनी सा फैब्रिक है, इसमें कुछ सेल्फ का वर्क भी दिया हुआ है और अंदर इसमें कॉटन का इनर है, तो बिल्कुल भी इची नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, आप पूरे दिन कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्लाउज है। तो इस टाइप का बेसिक रेड ब्लाउज आई थिंक सबके पास होना चाहिए। ये था मेरा सेकेंड मस्ट हैव ब्लाउज। थर्ड ब्लाउज है वो है दिस ब्यूटिफुल नेवी ब्लू ब्लाउज फ्रॉम दिस ब्रांड इंडिया इन द साइज मीडियम। काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, इस पे पूरे पे गोल्डन जरी का वर्क दिया गया है, बोटनेक है और 3-4 स्लीव्स के साथ है। यहाँ पे इसके साइड में जिप क्लोजर है तो आप इजीली इसको पहन सकते हैं। और जो साइड में जिप क्लोजर वाले ब्लाउज होते हैं उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इन्हें एज अ क्रॉप टॉप भी वेयर कर सकते हैं। लाइक आपको किसी प्लाजोज के साथ, शरारा के साथ इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना है तो साइड जिप वाले ब्लाउजेस का ये प्लस पॉइंट होता है कि आप उनको उसके साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। आप इसे अपने लहंगाज के साथ, साड़ीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये भी गोल्डन कलर की साड़ी के साथ, बेज कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की के साथ, जो भी कलर कॉम्प्लीमेंट करता है उन सबके साथ स्टाइल कर सकते हैं। और इसकी जो जरी का वर्क है काफ़ी नीट वर्क है, कहीं भी थ्रेड्स नहीं निकल रहे हैं। और इंडिया ब्रांड की एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो इसके ब्लाउजेस होते हैं उनका फिट बहुत ही औसम होता है, तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इनके फिट से। इसके अंदर जो इनर दिया है ना, वो इन्होंने शैंटून फैब्रिक का दिया है,
तो इनर भी काफी अच्छा है और बिल्कुल भी आपको इची फील नहीं होगा। तो काफी एलिगेंट सा ब्लाउज है, काफी सिंपल सोबर भी है। आप किसी प्लेन बेसिक साड़ी के साथ अगर इसको पेयर करेंगे, बोटनेक है तो आप इसे अपने वर्क प्लेस पे भी कैरी कर सकते हैं। काफी अच्छा ब्लाउज है, मुझे काफी पसंद है ये ब्लाउज और मैंने इसे सेल के ड्यूरेशन में लिया था। तो जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और अगर लिंक्स भी होंगे तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। एक्चुअली ये ब्लाउज मुझे काफी टाइम हो गया परचेज किए हुए। सो दिस इज द थर्ड रेकमेंडेशन। तो जो फोर्थ ब्लाउज है वो है दिस ब्यूटीफुल पैरेट ग्रीन ब्लाउज। काफी प्यारा ब्लाउज है और इसमें पूरे में ही गोल्डन थ्रेड वर्क से एम्ब्रॉयडरी की गई है और साथ में इसमें मिरर वर्क है। ये रियल मिरर है बट चुभते नहीं है क्योंकि अच्छे से इसमें ग्लू के साथ इनको अटैच किया गया है। साथ में छोटे छोटे स्टोन्स का भी वर्क है फॉर द एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट। काफी नीट ब्लाउज है, पूरे ही ब्लाउज पे नीचे यहाँ पे पाइपिंग दिया गया है और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत अफोर्डेबल है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसे 400 रुपये में परचेज किया था बट लुक वाइज ये कहीं से नहीं लगता कि ये 400 रुपये का ब्लाउज है। सेम इसका मैंने अमेजोन पे भी देखा था, वामस जो ब्रांड है वो भी कुछ ऐसे ही ब्लाउजेज उनके पास भी होते हैं। तो वो ब्लाउजेज जो थे वो 1800-1900 कुछ ऐसे प्राइजेस थे उसके, बट ये मैंने मीशो से लिया है बट क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पूरे ही बहुत नीट वर्क है, पूरे ब्लाउज पे ऐसे पाइपिंग का डिटेल दिया गया है। अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं हैं तो उन्होंने स्लीव्स भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हैं। 3-4 स्लीव्स तो नहीं है बट यहाँ तक आपके स्लीव्स आएंगी। तो अगर स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्लीव्स भी लगवा सकते हैं। पीछे इसमें काफ़ी डीप नेक है इसीलिए डोरी का डिटेल भी दिया गया है ताकि वो आपके शोल्डर से स्लिप ना हो तो होल्ड कर सके। टैसल्स भी लगाए हुए हैं और पीछे यहाँ पे बंद करने के लिए हुक्स भी दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे से इसको भी अटैच किया गया है। तो ब्लाउज अगर मैं कहूँ ना तो ये 10/10 है प्राइस वाइज, फिट वाइज बहुत अच्छा ब्लाउज। सो ग्रीन कलर भी काफ़ी कलर्स के साथ अच्छे से जाता है। आप इसे डार्क ग्रीन के साथ भी, लाइट ग्रीन है तो आप डार्क ग्रीन के साथ भी इसको पेयर कर सकते हैं फॉर दिस मोनोक्रोम लुक। और आप इसे पिंक के साथ, गोल्डन के साथ, इवन मरून के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट आपको आउटफिट क्रिएट करना है तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज है। मैं आगे भी वी नेक दिया हुआ है और थोड़ा डीप वी नेक है बट इसमें कप्स हैं तो आपका ऐसा कुछ नहीं कि ब्रा वगैरह सी थ्रू होगी, तो आपको ब्रा पहनने का कोई नीड नहीं है क्योंकि इसमें कप्स दिए गए हैं। और अगर आप इतने वी डीप वी में कंफर्टेबल नहीं है तो कैमी वगैरह भी आप अंदर पहन सकते हैं तो उससे भी नेक थोड़ा हाइड हो जाता है, या फिर आप साड़ी के पल्लू से भी थोड़ा इस नेक को हाइड कर सकते हैं। और काफ़ी बोल्ड लुक देता है, काफ़ी अच्छा ब्लाउज है। तो आप इसे प्लेन साड़ी के साथ भी पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। पार्टीज और वेडिंग्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट ब्लाउज है तो मुझे काफ़ी पसंद है ये ब्लाउज। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसका हाई एंड वर्जन लेना चाहते हैं तो आप वामस के ट्राई कर सकते हैं बट अगर कुछ अफोर्डेबल में देख रहे हैं तो आप इसे मीशो से भी देख सकते हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस हैं, मुझे पर्टिकुलरली ये वाला कलर नहीं था तो मैंने इसमें चूज किया। कैमरे में मे भी आपको थोड़ा कलर में वेरिएशन दिख रहा होगा बट ये पैरेट ग्रीन कलर है और ये कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है फेस्टिव्स वगैरह में। तो जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो दिस बेसिक गोल्डन ब्लाउज। और ये गोल्डन भी चटक वाला गोल्डन नहीं है, मोर ऑन द साइड ऑफ बेज कलर है। ये काफी अच्छा है, इसमें गोल्डन का वीविंग है। सो ये जो ब्लाउज है ये बोट नेक में है और इसमें भी 3-4 स्लीव्स है और इसके जो अंदर लाइनिंग दी गई है वो कॉटन की लाइनिंग दी गई है तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा पहनने में भी। और इसमें जो हुक्स है वो बैक साइड में है। काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, फिट वाइज भी बहुत अच्छा ब्लाउज है, काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है इसकी। और ये जो ब्रांड है वो है श्रृंगार स्टूडियो। तो इस ब्रांड के आपको अमेजोन पे बहुत सारे ब्लाउज मिल जाएंगे और वो जो रेड वन है वो भी फ्रॉम दिस ब्रांड श्रृंगार स्टूडियो ही है। तो ये ब्रांड जो है वो अपने
ब्लाउजेस के लिए ही काफी फेमस है। ये स्कर्ट्स भी मिलती हैं इस ब्रांड की, तो दोनों ही स्कर्ट्स और ब्लाउज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अफोर्डेबल भी होते हैं। तो काफी अफोर्डेबल ब्लाउज है और सेम में आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इसी सेम पैटर्न में। मेरे पास भी इसके 2-3 कलर्स हैं, पिंक भी है, पर्पल भी है, तो काफी अच्छा ब्लाउज है। मैंने पर्सनली आजकल साड़ी के साथ के ब्लाउज सिलवाना बंद कर दिया है, जब से मुझे ये ऑनलाइन ब्लाउजेस के बारे में पता लगा है। तो अब मैं ऑनलाइन ब्लाउजेस ही परचेज करती हूँ। एक तो ब्लाउजेस जब हम स्टिच कराने जाते हैं तो स्टिचिंग चार्जेस ही इतने होते हैं, हमारे यहाँ तो 600-500 नॉर्मल है। अगर नॉर्मल ब्लाउज सिलवाना है आपको इनर के साथ तो इतने ही चार्जेस हैं। तो उससे अच्छा मुझे ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाते हैं, 500-600 में ऑनलाइन काफ़ी अच्छा ब्लाउज आ जाता है जो मेरी बहुत सारी साड़ियों को कॉम्प्लीमेंट करता है। और जब मैं साड़ी के साथ वाले ब्लाउज सिलवाती हूँ तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं उस साड़ी के साथ ही, मैं उन्हें दूसरे साड़ी के साथ स्टाइल नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ तो मार्केट में जब मैं ब्लाउज सिलवाने जाती हूँ तो फिटिंग का बहुत इश्यू रहता है। तो अब जब मुझे अपना ट्रू साइज पता चल गया है ब्लाउजेज में मुझे क्या साइज आता है, तो मैं ऑनलाइन ब्लाउज परचेज करना ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ और मुझे थोड़ा इकोनॉमिकली भी सही पड़ता है और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। तो अगर आप भी कुछ ब्लाउजेस की हंट में हैं कि आपको कुछ स्टाइलिश ब्लाउज चाहिए इन अफोर्डेबल रेंज, तो आप इन ब्लाउजेस को चेक कर सकते हैं। ये सारे ही अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, एक मीशो से था और बाकी आपको अमेज़ॉन और इंडिया की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जो दो इंडिया ब्रांड के ब्लाउजेस थे। जितने भी लिंक्स मिलेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। कुछ एक्चुअली बहुत पुराने ब्लाउजेस हैं तो अगर उनके लिंक नहीं हुए तो मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगी, पर जितने भी होंगे ब्लाउजेस के लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टाइप के कुछ और वीडियोस भी देखना चाहते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे आगे वीडियो बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।